दोस्तों, खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहने वाली बीजेपी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो वाकई महिलाओं का सम्मान करती है? अगर ऐसा होता तो 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार मोदी जी नहीं करते, ये जानते हुए भी कि उसके 3000 से अश्लील वीडियो एक पेन ड्राइव में है। वो ऐसा व्यक्ति है, ये देश के गृह मंत्री को पता था। ये ही नहीं, अलग अलग जगह से लगातार बीजेपी के नेताओं की अश्लील वीडियो सामने आ रही है। लेकिन तीसरे चरण के फौरन बाद बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि वो सत्ता को पाने के लिए महिलाओं का चरित्र हनन कर सकती है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ झूठ था। टीएमसी के नेताओं पर जो महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कहने पर लगाया गया था। और ये बात किसी जांच में निकल कर नहीं आई है, बल्कि उन्हीं महिलाओं ने आगे आकर पक्के सबूत दे दिए हैं कि बीजेपी के तमाम नेता, खासकर शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगवाया था कि उन्होंने महिलाओं के साथ रेप किया। और इसी के साथ खुल गई पोल पट्टी कि भारतीय जनता पार्टी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये तमाम नारे सिर्फ जुमला है, बल्कि उनको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता, चाहे महिलाओं का चरित्र हनन की क्यों ना करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। इससे गलत और गंदा काम और घिनौना काम कभी हो ही नहीं सकता कि सिंहासन के लिए, सत्ता पाने के लिए महिलाओं के चरित्र के साथ, महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर सके। और यही काम बीजेपी कर रही है एक ऐसे राज्य में जहां पर सत्ता में आने का सपना बीजेपी के तमाम नेताओं ने देखा, मोदी ने देखा, शाह ने देखा, कैलाश विजयवर्गीय ने देखा। पहले टीएमसी को तोड़ा, तब भी टीएमसी और मजबूत होकर निकली, तो आखिरकार महिलाओं को आगे कर दिया। खबर में आज आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। सबसे पहले यह जो खबर लिखी है, क्या लिखा है, भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है। बंगाल में सबसे चर्चित मुद्दे का यूटर्न, संदेश खाली की पीड़िता बोली, हमारे साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, शिकायत झूठी। इस खबर को पहले मैं बता रहा हूं कि खबर क्या है, उसके बाद बताता हूं कि कैसे कैसे इस पूरे खेल को रचा गया था। आज तक की खबर है और आज तक ने इस खबर को नीचे जाकर छापा है इसमें कि कब सुर्खियों में आया संदेश खाली। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली उस समय सुर्खियों में आया था जब वहां की महिलाओं ने टीएमसी के नेता हैं शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेश खाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया और ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेश खाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि बंगाल पुलिस ने उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से पुलिस डर रही थी। अब भी सोचिए आज तक क्या लिख रहा है। इस पूरे मामले के बावजूद कोलकाता हाईकोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरवरी के आखिर में उसे अरेस्ट किया था। चलिए, शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। अब क्या निकलकर सामने आया है, इसी को पढ़िए। पहले मैं हेडर से शुरुआत करूंगा आज तक की खबर। क्या लिखा हुआ है, बंगाल में बीजेपी नेताओं पर केस, चुनाव आयोग से भी शिकायत जाने किया है, संदेश खाली स्टिंग ऑपरेशन केस। इसमें क्या हुआ, इसमें महिलाओं ने साफ कहा है टीएमसी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है सागरिका घोष, इन्होंने गुरुवार को चुनाव आयोग को एक पत्र सौंपा है। पत्र में ममता बनर्जी की पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी, जो फिलहाल पहले टीएमसी में हुआ करते थे, ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, वो बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए, तो आजकल शुभेंदु अधिकारी स्टार प्रचारक बने हुए, उन्हें लगता है वो हेमंत बिस्व शर्मा बन जाएंगे। तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी और अन्य बीजेपी नेताओं पर शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ बलात्कार की झूठी शिकायतें दर्ज करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। और यह आरोप क्यों लगाया, अब नवभारत टाइम्स की खबर को पढ़िए। क्या लिखा, मेरा रेप नहीं हुआ था, संदेश खाली के शेख शाहजहां केस में महिलाओं ने लिया यूटर्न, टीएमसी का बीजेपी पर साजिश का आरोप है। जो इन्होंने कहा है क्या है, संदेश खाली मामले में तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर रेप का आरोप लगाने वाली 3 महिलाओं में से 2 ने केस वापस ले लिया है। सामने आए वीडियो में दावा किया गया कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कई महिलाओं से सादे कागज पर दस्तखत करवाए और बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल नेताओं के खिलाफ रेप और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने में इन कागजों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तृणमूल ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। तृणमूल ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की मांग की और मांग उठाइए कि पुलिस एक्शन का निर्देश जारी कर दिया जाए। पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी के एक नेता ने कैमरे पर कबूल किया है कि संदेश खाली मामले में रेप के आरोप मनगढ़ंत थे। इस बीच बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष
सुकांत मजूमदार ने भी आरोप लगाया कि स्टीम ऑपरेशन फर्जी था और उन्हें शक है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। इनकी सारी सुई आकर अटक जाती है एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद करिए बाराबंकी वाले सांसद का सांस्कृतिक चलचित्र सामने आ गया था, यानी वीडियो सामने आया था जिसमें वो हरकतें कर रहे थे, बाद में उनकी टिकट उन्होंने वापस कर दी और कहा कि एआई के जरिए। मोदी जी की कोई वीडियो सामने आई थी एआई के जरिए, मतलब इनके जितने कुकर्म हैं, इनके जितने कर्मकांड हैं, सारे के सारे एआई के जरिए होते हैं और विपक्ष गंदा ही होता है। कुल मिलाकर फंस गए। आज तक की जो मैंने भी आपको खबर दिखाई थी उसमें पूरा तरीके से बताया कि क्या हुआ है। इसमें एक वीडियो सामने आया बीजेपी की तरफ से भी किया गया। देखिए, टीएमसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो। टीएमसी ने वीडियो का यूट्यूब लिंक सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा था कि कयाल जो बीजेपी के नेता है ना, अधिकारी और अन्य बीजेपी नेताओं के निर्देश पर संदेश खाली की महिलाओं को झूठी बलात्कारी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उकसाने की बात खुले तौर पर स्वीकार की है। शिकायत में कहा गया है कि हरकतें न सिर्फ नैतिक रूप से निंदनीय है बल्कि अपराध भी है। इसमें शामिल बीजेपी के नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब टीएमसी की तरफ से मांग उठ रही है और ये देखा जाना है कि क्या वाकई सख्त कार्रवाई होगी। आप सोचिए, वही महिलाएं जिनके जिनको आधार बनाकर, जिनको हथियार बनाकर बीजेपी लगातार टीएमसी को, ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन्होंने देख लिया, इन्होंने ईडी का इस्तेमाल किया, इन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल किया, इन्होंने इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया। इन तमाम विभागों के इस्तेमाल होने के बावजूद भी ये ममता बनर्जी को कमजोर नहीं कर पा रहे थे। पश्चिम बंगाल में जाते जाते सरकार बनाने का सपना मोदी और शाह ने देखा है कि जब तक वो दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन है तब तक कम से कम पश्चिम बंगाल में एक बार बीजेपी सत्ता में आ जाए। शुभेंदु अधिकारी इसलिए छटपटा भी रहे। और सोचिए, संदेश खाली को लेकर, महिलाओं के आबरू को लेकर, उनकी इज्जत को लेकर क्या कुछ किया गया। एक और खबर है आज तक की, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। इसमें क्या लिखा है आज तक के इस खबर में लिखा है, श्वेत पत्र पर जबरन साइन कराया गया, यानी खाली कागज पर साइन कराए गए थे। संदेश खाली की दूरे पीड़िताओं ने शिकायत वापस ली। खबर क्या है, संदेश खाली मामले में दो महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ रेप की शिकायत को वापस ले लिया। संबंध में एक महिला ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आखिर कैसे उसे और उसकी सास का रेप की फर्जी शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें पता ही नहीं था कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ था। और जो ट्वीट किया गया है भास्कर की रिपोर्ट का, उसमें भी लिखा है, दर्द, कोरे कागज पर साइन कराए गए थे, कहा था जमीन मिल जाएगी। बताया गया कि आपको, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आपकी जो जमीन है ना वो हम आपको दिला देंगे, बस एक काम करना है कि टीएमसी के नेताओं के खिलाफ आप रेप का मामला दर्ज कराइए। कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए और बताया गया इसी के जरिए आपको जमीन वापस मिल जाएगी, बस एक काम करना है, इन टीएमसी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराइए। क्या है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। 10 साल में क्या कुछ मोदी सरकार की तरफ से किया गया, बीजेपी के नेता क्या कुछ करते रहे। देखिए, लोग कहते हैं ना ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान करते हैं, नहीं, ये महिलाओं की असमत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते, सिर्फ सत्ता के लिए। नमस्कार।